Hey guys, welcome back to the new video. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन एडवेंचर फैंटसी ड्रामा वॉर मूवीज़ को जिन्हें आप YouTube पर फ्री में वॉच करने वाले हैं, क्योंकि इन सभी मूवीज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आप एक अच्छी मूवी मिस कर दोगे। बाकी यार, अगर आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़, साउथ इंडियन मूवीज़ वेब सीरीज़ वॉच करना चाहते हैं तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर किसी को अपनी फेवरेट मूवी चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसे टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे एक ड्रामा क्राइम मूवी जिसका नाम है अमेरिकन मेड। ये मूवी आई थी 2017 में और आईएमडीबी ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार, इस कहानी की स्टार्टिंग होती है बैरी नाम के एयरलाइन कमर्शियल पायलट से। इस बंदे को अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना होता है और इसके लिए ये बंदा अपनी जॉब के अलावा और भी गलत काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि इलीगल चीज़ें बाहर की गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना। और इसके लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं होती क्योंकि ये पायलट जो होता है, इससे ये बंदा बहुत सारा पैसा कमा लेता है। लेकिन इसकी बैंड बजना तब स्टार्ट हो जाती है जब इसका सामना CIA से हो जाता है, क्योंकि इसके राज CIA के सामने खुल जाते हैं। और अब ये बंदा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। 9 पे ट्रुथ और डेयर। ये मूवी आई थी 2012 में और IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी। और ये मूवी हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड होने वाली है। तो बेसिकली इस कहानी की स्टार्टिंग होती है कुछ यंगस्टर से जो एक पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद ये लोग एक कैबिन के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद ये लोग पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अचानक से वहाँ पर एक सीरियल किलर आ जाता है जो इनकी बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। असल में वो सीरियल किलर अपने मरे हुए भाई का बदला लेने के लिए आया होता है, क्योंकि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो सीरियल किलर का भाई मर गया था। तो अब ये ट्रूथ और डेयर का गेम ब्लड वायलेंस के अंदर, मतलब कि खून खराबे में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे में वहाँ से अपने आप को कौन बचाएगा, कौन नहीं बचा पाएगा, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 8 पे एक साइंस फिक्शन थ्रिलर एडवेंचर मूवी जिसका नाम है ब्लैक सी। ये मूवी आई थी 2014 में और IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है रॉबिन्सन से, जिसकी जॉब चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन्सन निकल चुका है एक न्यू एडवेंचर पर, जहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ टीम अप करता है। ये लोग मिशन पर निकले होते हैं और वो मिशन ये होने वाला है जिसके अंदर इन्हें एक ब्लैक सी को खोजना होगा, मतलब कि एक बोट को खोजना होगा। और वो बोट सी की गहराई में पड़ी होती है, मतलब कि समंदर की गहराई में होती है, जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड होता है। तो अब एंड तक इस मूवी के अंदर ये लोग उस गोल्ड को, ट्रेजर को, सोने को खोज पाते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। एक नेक्स्ट लेवल की फैमिली कॉमेडी मूवी जिसका नाम है पीटर रैबिट। ये मूवी आई थी 2018 में और IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो यार, मूवी की स्टोरी कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीटर रैबिट एक मूवी सीरीज़ है जिसके अंदर टोटल 2 मूवीज़ बन चुकी हैं और दोनों की दोनों मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाली हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इसके पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट का आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक, क्योंकि इस सीरीज़ का पार्ट 1 अभी YouTube पर अवेलेबल हो चुका है, लेकिन इसका पार्ट 2 YouTube पर अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब कहानी फोकस करती है थॉमस के ऊपर, जो अपने दादाजी के मरने के बाद उस घर में रहने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीटर रैबिट से हो जाती है, जो एक खरगोश होता है। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जो उस घर में कब्जा जमाए बैठे होते हैं। ऐसे में थॉमस क्या करेगा, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 6 पे एक अलग ही लेवल की हॉरर एक्शन वैम्पायर मूवी जिसका नाम है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। की मूवी आई थी 2012 में और IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइज, अगर आपको वैम्पायर्स वाली मूवीज़ देखना अच्छी लगती हैं तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है अब्राहम लिंकन का किंगडम, जहाँ पर चारों तरफ वैम्पायर्स फैल चुके होते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब्राहम लिंकन ने ऐलान जंग कर दिया है और अब वॉर स्टार्ट हो जाती है वैम्पायर्स और इंसानों के बीच। ऐसे में अब आगे चल के क्या कुछ होगा, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। ये मूवी आपको YouTube पर ही वॉच करने को मिलेगी, लिंक आपको नंबर 6 पर देखने को मिलेगा। 5 पे एक एडवेंचर कॉमेडी हॉरर मूवी जिसका नाम है कोकेन बियर। ये मूवी आई थी 2023 में और IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली इस कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन में से कुछ कोकीन के पैकेट्स जंगल के अंदर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक जंगली बियर होता है जो उस कोकीन के पैकेट्स को खा लेता है। और उसके बाद उसका माइंड उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, जिसके बाद
जो भी वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं एंजॉय करने के लिए वो उन्हें खाने लगता है। ऐसे में वो ख़तरनाक बियर कई लोगों को ख़त्म कर देता है चीर फाड़ के। तो अब देखना ही है कि वहाँ पर जाने वाले लोग उस बियर से कैसे बचेंगे या फिर वहाँ के लोग उस बियर का सामना कर पाते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। पहले ही मूवी यूट्यूब पर नहीं थी लेकिन अब यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नंबर 5 पर देखने को मिलेगा। 4 पे एक ड्रामा थ्रिलर हॉरर मूवी जिसका नाम है फियर एंड रेन। ये मूवी आई थी 2021 में और इसे आईएमडीबी ने 5.9/10 की रेटिंग दी है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके अंदर कहानी फोकस करती है एक ऐसी लड़की पे। इस लड़की को ऐसा महसूस होता है कि इसके जो नेबर्स हैं वो किडनेपर्स हैं और उन्होंने एक बच्चे को अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। ऐसे में लड़की पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेगी या फिर पुलिस इसका यकीन कर पाती है कि नहीं, और इसके अलावा ये लड़की उस चाइल्ड को कैसे बचाएगी, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। मूवी आपको अपने साथ काफ़ी हद तक बांध के रखने वाली है। ऐसे में इस मूवी के अंदर आपको बेहतरीन सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। 3 पे जोल्ट। ये मूवी आई थी 2021 में और आईएमडीबी ने 5.6/10 की रेटिंग दी है। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी पर बेस्ड होने वाली है। ये कहानी फोकस करती है ऐसी औरत पर जो कि बहुत ज़्यादा एंगर होती है, मतलब कि उसके नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है, मतलब कि इस औरत का माइंड अनकंट्रोल हो जाता है जब इसे गुस्सा आता है। ऐसे में जो भी इसके सामने होगा उसकी बैंड बज जाएगी। तो इसके पीछे मिस्ट्री क्या होने वाली, आखिर इस औरत को इतना जल्दी गुस्सा कैसे आ जाता है और ये सबकी बैंड क्यों बजा रही होती है, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। मूवी ठीक ठाक होने वाली, आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में इंजॉय कर सकते हैं। 2 पे एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है दी सुपर मारियो। ये मूवी आई थी 2023 में और आईएमडीबी ने 7.1/10 की रेटिंग दी है। तो यार, आप में से सुपर मारियो का गेम तो आप लोगों में से डेफिनेटली कुछ लोगों ने खेला होगा। तो अगर आप लोगों ने बचपन में सुपर मारियो का गेम खेला था तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सुपर मारियो के फैंस ही इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो अब आते हैं इस मूवी की कहानी पे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुपर मारियो और उसके भाई से, और ये दोनों प्लम्बिंग का काम करते हैं, जैसे कि पाइप वगैरह नल वगैरह ठीक करना हो गया। ऐसे में एक दिन ये दोनों शहर की बड़ी पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहे होते हैं। सडनली वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों एक अलग ही दुनिया में, मतलब कि अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं। तो अब इस मूवी के अंदर आगे चल के क्या कुछ होगा ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है लेकिन आपको यूट्यूब पर इंग्लिश में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर मुझे हिंदी में नहीं मिली। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी डब्ड लैंग्वेज में वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको ये मूवी फुल HD क्वालिटी में देखने को मिलेगी और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। अरे यार, वैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पर आपको अनलिमिटेड हॉलीवुड की मूवीज़ फ्री में वॉच करने को मिलती हैं। सो फाइनली गाइस, 1 पे एक मिनी सीरीज जिसका नाम है अशोका। ये हाल ही में रिलीज होकर आई है 2023 में और इसे IMDb ने 8/10 की रेटिंग दी है। अभी तक इसका एक सीज़न आ चुका है और इसकी एपिसोड्स की बात करें तो इसके टोटल एपिसोड्स 7 होने वाले हैं। और यार, सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। तो देर ना करते हुए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ और ये आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज़। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।